जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया का शव उनके घर में संदिग्ध हालत में मिला है। बता दें कि सोमवार यानी 3 अक्टूबर देर रात राज्य के पुलिस महानिदेशक हेमंत लोहिया की उनके घर पर गला रेत कर हत्या कर दी गई। अब इस हत्या मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद डीजी जेल लोहिया का शव जलाने की भी कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी संगठन PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इसको लेकर एक कथित लेटर सामने आया है। PAFF आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में लोहिया के घरेलू सहायक पर मुख्य आरोपी होने का शक जताया है। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि डीजी जेल हेमंत लोहिया की मौत के मामले में प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें ये सामने आया है कि रामबन निवासी एक घरेलू सहायक यासीर अहमद मुख्य आरोपी है। घटना स्थल से एकत्रित किए गए कुछ CCTV फुटेज में संदिग्ध आरोपी को वारदात के बाद भागते हुए देखा गया है। वो पिछले करीब 6 महीनों से घर में काम कर रहा था। शुरुआती जांच में पता चला कि यासीर अपने व्यवहार में काफी आक्रामक था और सूत्रों के मुताबिक वो डिप्रेशन में भी था। पुलिस के मुताबिक घटना स्थल की प्रारंभिक जांच में ये भी पता चला है कि पहले लोहिया की हत्या की गई, फिर उनका गला काटने के लिए कैचअप की बोतल का इस्तेमाल किया गया। बाद में शव को आग लगाने की भी कोशिश की गई। लोहिया के घर के बाहर मौजूद गार्ड ने जब उनके कमरे में आग देखी तब वो कमरे के गेट तोड़कर दाखिल हुए। कमरा अंदर से बंद था। वहीं आपको बता दें कि आतंकी संगठन TRF ने सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उसने ही लोहिया की हत्या को अंजाम दिया है। दरअसल TRF का कनेक्शन PAFF से है और ये उसका ही नया आतंकी संगठन है। बीते कुछ समय से जम्मू कश्मीर में हुई गैर स्थानियों की हत्याओं के पीछे भी TRF का ही हाथ बताया जाता है। आतंकी संगठनों ने जो बयान जारी किया है उसमें लिखा है कि हमारे स्पेशल स्क्वाड ने जम्मू के उदयवाल में खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है और DG पुलिस जेल HK लोहिया की हत्या की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के DG जेल हेमंत लोहिया 1992 बैच के IPS ऑफिसर थे। लोहिया को इसी साल के अगस्त में प्रमोशन के बाद DG जेल के पद पर तैनात किया गया था। इससे पहले हेमंत लोहिया होमगार्ड नागरिक रक्षा एवं राज्य SDRF में कमांडेंट जनरल के पद पर तैनात थे। हेमंत लोहिया की पत्नी, एक बेटा और बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है, वो लंदन में रहती है, जबकि बेटे की शादी इसी साल दिसंबर में होने वाली थी। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे प्रशासन में अफरा तफरी मच चुकी है और तुरंत कार्रवाई करने के लिए अब सभी एजेंसियां अलर्ट पर है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।